हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रशांत। टुडे इज विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस। आज मैं जा रहा हूं इंडिया गेट एंड राष्ट्रपति भवन घूमने के लिए। सो गाइस, मैं सर क्यों नहीं यार आप लोगों को भी दिखाया जाए इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ। एंड मैं जा रहा हूं वाया श्री लक्ष्मी नारायण जी मंदिर। यहाँ पहले यहाँ पड़ेगा एक आर के आश्रम के पास है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, वहां से मैं होते जाऊंगा राष्ट्रपति भवन। मौसम हो रहा है सबसे बेस्ट अब तक का जब तक मैं आया हूँ यहाँ पे, बिकॉज बारिश हो चुकी है खत्म, अभी हो रहे सिर्फ बादल बादल एंड थोड़ा ठंडा मौसम है आज। इतना बढ़िया लग रहा है, यहाँ से पकड़ूंगा मेट्रो टिल आर के आश्रम, वहाँ से अपन करेंगे पहिया पहिया वॉक। हवा चल रही है, मौसम हो रहा है एक नंबर। ओहो, ज़्यादा मौसम की तारीफ मत करो वरना जिंक्स लग जाएगा। एंड मैं घड़ी पहनना भूल गया, सो इट्स 10:20 समथिंग राइट नाउ। ये होती है मेहनत, हम तो इनके सामने कुछ नहीं कर रहे हैं जेन्युइनली। ये लोग डेली आते हैं अपना स्टॉक ले लेके, डेली सेल पर लगाते हैं, बारगेन वारगेन पंचायत करके कुछ वक्त कमा के जाते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, एंजॉय योर लाइफ। नारायण मंदिर, नाइस। चलो चलते हैं, शायद वहां से एंट्री मेरे ख्याल से। लेट्स गो। ये है श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर फाइनली, एंड चलो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। चप्पल उतारना चाहिए, यहाँ पे चप्पल उतारना होगा। सो मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड इनसाइड। ओ भाई साहब, मुझे पता ही नहीं था ये बात कि मोबाइल फोन अंदर अलाउ नहीं है, बट अब आए तो दर्शन करके जाएंगे ऑब्वियसली। सो गाइस, आप सबके लिए यहीं तक व्यू था, ज़रूर आना यहाँ पे, देख के आते थे कैसा मंदिर है। सो लेट्स गो, चलते हैं वापस। मंदिर था बहुत बढ़िया, शांत, एकदम मज़ा आ गया। गाइस, कभी आप आओ तो ज़रूर इस मंदिर में आना। अभी छोटी सी स्ट्रीट शॉपिंग है, आप कर सकते हो जैसे ये एक दो किलोमीटर आगे ही है राष्ट्रपति भवन, तो वहाँ पर मैं जा रहा हूँ राष्ट्रपति भवन देखने के लिए। सब उधर वो जा रहा है जो बैग बेच रहा है, वो फ्लिप फ्री चला रहा है यार। लाइक आई एम नॉट जजिंग बट वाओ, मेरा देश बदल रहा है। डू रीड दिस कोट, स्क्रीनशॉट एंड रीड, स्क्रीनशॉट एंड रीड इफ यू वांट। इसका तो वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट एंड रीड इफ यू वांट। ऐसा पूरा अंदर पार्क वार्क बना हुआ, आप चाहो तो बैठ सकते हो जाके। एंड अभी तो शायद मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट बंद है यहाँ पे सब शॉप्स, वरना अंदर शॉप्स भी होती हैं। तब बढ़िया फ्रेम लग रहा है यार, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे से वॉक करके मुझे। और ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं फ्लावर्स, ये कितना बढ़िया लग रहा है, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे से वॉक करो रात को या कभी भी, स्लो सॉन्ग्स बजाओ, कितना बढ़िया आएगा, मज़ा आएगा एक नंबर। ऐसे ना वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है, इतना बढ़िया मौसम हो रखा है, इतनी बढ़िया रोड है, ओए होए होए मज़ा आ रहे हैं। इस पर किशोर दौर बच्चा कानों में मज़ा आ जाएंगे, सच्ची ज़िंदगी सफल हो जाएगी। ये देखो भाई, ये देखो, अगर ट्रैपड होता और कैमरा होता तो यहाँ पे इतनी बढ़िया फोटोज आती, इतना बढ़िया मैं ब्लॉग बना पाता, बिकॉज कट सीन से आप बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे वॉकिंग करने के। लाइक इफ यू कैन इमेजिन, ऐसे वॉक करने के कट सीन्स बन रहे हैं, जाने के कट सीन्स बन रहे हैं। कटोरा स्टेडियम, हमें जाना है सीधा फॉर राष्ट्रपति भवन। एंड ये कितना बढ़िया साइकिल है, बैक टू फुटपाथ। वॉक करने का बहुत मज़ा आ रहा है, मौसम भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है, बढ़िया अकेले इंजॉय कर रहा हूँ यार, क्या ही बोलूँ, क्या ही बोलूँ। समोसे खाने का मन हो गया, बहुत ब्रेड है ये, बड़े भाई
थैंक यू भैया। अरे चटनी नहीं ली, समोसा मिलता है सब्जी के साथ तो उसे ट्राई करते हैं, लोकल कुजीन। और है ठंडे बट अच्छे हैं, मतलब टेस्टी हैं, नॉट बैड आई थिंक। मुझे लगा था कुछ खास नहीं होंगे बट अच्छे हैं ये। टुवर्ड्स प्रेसिडेंट एस्टेट राजस्थाना वॉक करके उस साइड एंड या चलते हैं। अरे भैंस की आँख, पुलिस ही रोकी सबसे पहले तो मुझको। भी नहीं है, पार कैसे करेंगे हम लोग, कर ही लेंगे अब जैसे तैसे। यूपी वाले हैं आखिर, हम भी डरते थोड़ी हैं। अरे भैंस के डर तो लग रहा है। हो गए भाई, हो गए। ओ भाई बहुत रिस्की था ये बट हो गए पार। ऐप में दिखा रहा है यार, सीधा है राष्ट्रपति भवन टुवर्ड्स लेफ्ट, बट लेट्स सी क्या होता है। गंगाराम हॉस्पिटल, सो वी आर वेरी क्लोज टू सीपी, लाइक सीपी करोलबाग के बीच में हम इस वक्त। एंड राइट लेंगे तो वापस अपना वही आर के आश्रम मांगा और करोलबाग का रोड आएगा। बैठने की तो अच्छी जुगाड़ है यहाँ पे, एक इतना बढ़िया मौसम हो रहा है, यहाँ बैठो ज़रा, ऐसे बैठो ज़रा, चिल करो, कितने मज़े आएंगे। जो हम करने जा रहे हैं इस वक्त, बैठते हैं। भवन तो यहीं पर, भवन तो कहीं नहीं आना। वाइब्स वाइब्स का भी मज़ा ले यार, बहुत बढ़िया वाइब्स है यार। चक्कर में फोन गवा दूंगा मैं, लग रहा है एक दिन। लिखा तो है प्रेजेंट स्टेट बट आई एम कंफ्यूज्ड कि ये है या नहीं। आई थिंक यहाँ पे और भी बहुत सारे जो लोग रहते हैं उनकी वो है यहाँ पे घरवर, या फिर वो वाला है। आई हैव नो आइडिया, आई एम कंफ्यूज्ड बिकॉज राष्ट्रपति भवन में अभी थोड़ा मैप में आगे दिखा रहा है, उधर उधर जाके थोड़ा दिखा रहा है। सो आई थिंक यहाँ से पूरा ओवरऑल राष्ट्रपति भवन हमारा स्टार्ट ही हो चुका है। एंड देख के तो लग रहा है कि वो हो सकता है राष्ट्रपति भवन का, आई मीन प्रेसिडेंट का, नॉट प्राइम मिनिस्टर का। चलते हैं आगे घूमते हैं और क्या। नहीं मैं ऐसे वीडियो शूट कर रहा हूँ, कोई कुछ समझे ना, पुलिस वाला या कोई लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल, कि मैं ऐसे ब्लॉगिंग कर रहा हूँ या फिर मैं ऐसे जूम करके प्रेसिडेंट का घर दिखा रहा हूँ। आगे है राष्ट्रपति भवन का म्यूज़ियम, जो हम ऑफकोर्स नहीं जाने वाले हैं। सो ये है राष्ट्रपति भवन का म्यूज़ियम सामने एकदम। वाओ, लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, बट फिर कभी चलेंगे। रिसेप्शन फॉर म्यूज़ियम, म्यूज़ियम टाइमिंग 9:30 से 4 बजे तक की है। मेरे पीछे है वो है राष्ट्रपति भवन का म्यूज़ियम, ₹50 पर एंट्री टिकट है। इफ़ यू गाइस वांट यू कैन विजिट। मैंने यूट्यूब पर देखा बढ़िया होता है बट आज मेरा मूड नहीं है कोई म्यूज़ियम में जाने का, इसलिए मैं ध्यान नहीं रहा हूँ, वरना मैं जाता जरूर जाता अंदर टू नो मोर अबाउट पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड ऑल। सो यू कैन विजिट। मैं सिर्फ एज एन एक्सप्लोरर घूम रहा हूँ कि क्या क्या है, एंड वही से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है, दैट्स इट। अगर आप लोग गाइस कमेंट कर दोगे तो मैं म्यूज़ियम भी ज़रूर जाऊँगा। सो गाइस कमेंट कर दो इसी बात पर। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो सबके साथ, एंड चलो कंटिन्यू करते हैं व्लॉग अपना। एंड कमेंट कर दो, सच्ची कह रहा हूँ, अगर आपने कमेंट कर दिए राष्ट्रपति का म्यूज़ियम भी आपको दिखा के लाऊंगा मैं अंदर से। ओवरऑल एक टाइप से राष्ट्रपति भवन ही है, अंदर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही रहते हैं, बट जिसका लाइक मेन एंट्री है एक तो वो थी जब पीछे निकल गए, यहाँ पे म्यूज़ियम था। एक शायद आगे आएगी जो मैंने मैप में देखी थी, वो भी देख के आते हैं एक बार। मैप में साइड में आ रहा हूँ कि मुझे ऐसे पूरा सर्कल लेके जाना है, उसके एकदम बीचों बीच में राष्ट्रपति भवन है। एंड यहाँ पे एक आगे प्लेनेटेरियम भी है, सो मैं सोचा प्लेनेटेरियम जाके आऊँ, मेरा ऐसा भी बहुत है रुचि। सो आई एम थिंकिंग टू गो टू प्लेनेटेरियम, बट लेट्स सी क्या होता है, वहाँ पे जाके पता करते हैं। एंड मुझे ऐसे पूरा वॉक करके जाना है, माई गॉड आज तो मेरी अच्छी खासी वॉकिंग हो गई। बट अच्छा मौसम हो रहा है, समा है सुहाना, मौसम है दीवाना, चलो चलते हैं। आई थिंक ये भी एक एंट्री है राष्ट्रपति भवन जाने की, गेट नंबर 29 लिखा देखो उसके आगे। आई हैव नो आइडिया रिकॉर्डिंग करना अलाउ है या नहीं। हम आ गए इधर, चलते चलते टांडी मार्च। इन्हें को सामने ये हैं बढ़िया फाउंटेन्स, टांडी मार्च की स्टैचू बढ़िया सा। एंड अब चलते हैं आगे और क्या चौराहे तो आगे, हमें और आगे जाना है अभी। ये बढ़िया फाउंटेन्स हैं, लाइट्स वाले हैं, चलिए रात को तो बहुत अच्छा लगता होगा। आ
आज मैं भी गांधी जी घिसरा वॉक पर निकला हूँ, मेरा भी आज मार्च चल रहा है। नाइस, तो हम भी गांधी जी की तरह दांडी मार्च करते चलते हैं आगे टुवर्ड्स आई थिंक नॉर्थ। एक्चुअली पता है क्या, मुझसे एक गलती हो गई बहुत बड़ी। पति भवन के लिए दो वेज थे, नॉर्थ एंड साउथ। अगर मैं साउथ से आता तो मैं डायरेक्ट पहुंच जाता, बट मैं नॉर्थ से आता तो पूरा घूम के आना पड़ रहा है। बट अब अगर मैं नॉर्थ पे आ ही गया हूँ तो क्यों नहीं, अब हम प्लेटेनिटेरियम भी होके आए, प्लेनेटेरियम भी होके आए। लेट्स गो। छोड़ा है वो गलियाँ एंड आई थिंक ये सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के घर हैं। ये इस पे लिखा है, क्या लिखा है इस पे पढ़ नहीं पा रहा अभी। एंड ऐसे ही वहाँ पे सारे नाम्स लिखे हैं, नंबर प्लेट्स वहाँ से, या तो एम्बुलेंस आई थिंक। एंड ऐसे ही जो सारे घर बने हैं यहाँ पे, बाकी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा सिक्योरिटी पर्पज चक्कर में, यार शायद गलत ना हो नाम लेना, इसलिए। ये है स्टेबल्स, नाइस। मतलब यहाँ पे जो बॉडी गार्ड है प्रेजेंट के, उनके यहाँ पे घोड़े रहते हैं, गुड। क्या स्टेबल्स एंड उसके पीछे था बॉडी गार्ड्स का हाउस, नाइस इंटरेस्टिंग। ये सारा जो है अस्तबल जिसे कहते हैं हिंदी में, वो है ये पूरा। कैमरे में समझ आएगा नहीं, बिकॉज आँखों में समझ नहीं आ रहा, कैमरे में तो और नहीं आएगा। फाइनली मेरी डांडी मार्च ऑलमोस्ट हुई ख़त्म, फ्रॉम लक्ष्मी नारायण टेम्पल टू हेयर साउथ ब्लॉक। आई एम हेयर, पूरा वॉक करके आया मैं, पता नहीं मुझे क्या सूझी आज वॉक करने आने की। भाई यहाँ तो लगातार ट्रैफिक आ ही रहा है, अगर पार करना है तो अपना यूपी वाला भथोड़ा फॉर्मूला आजमाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो पार होगा नहीं कभी ज़िंदगी में, आई डोंट थिंक सो। जो मेरा मेन तारामंडल था वो मिस हो गया, बट चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। आपको ज़रा राष्ट्रपति भवन दिखा के आता हूँ, देखो तो बढ़िया लग रहा है। एंड हम जा रहे हैं साउथ एवेन्यू से होते हुए सीधा राष्ट्रपति भवन, जो सामने आपको दिख रहा होगा। भाई ऐसा लग रहा है कर्तव्य पथ है, बट ये नहीं है ऑब्वियसली। बट क्या रोड है यार, एकदम चकाचक। वॉक कर रहा हूँ मैं, तब बढ़ रहा है। तो सारे यहाँ पे घर मिल रहे हैं, ये सब ऑफिशियल्स के घर हैं एज यू कैन सी। यहाँ पे सब जैसे ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस में हर घर पे आपको ऐसे कैमरा नहीं मार रहा हूँ, बट आप समझ सकते हैं घर सो गए, यहाँ पे सारे घर से ऐसे ही है। एंड मुझे क्यों लग रहा है कि मैं अकेला टूरिस्ट जा रहा हूँ राष्ट्रपति भवन, लाइक आई हैव नो आइडिया लेजिट। अब जाके यहाँ से राइट जाके आएगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, एंड लेफ्ट जाके आएगा उदय भवन, एंड वापस अपना वही क्या कहते हैं, यह है अपना राष्ट्रपति भवन। यहाँ से हम ले रहे हैं राइट टूवर्ड सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। चलो और पास करके देखते हैं राष्ट्रपति भवन को। कोई टूरिस्ट नहीं है एक्सेप्ट मी, यहाँ पे सिर्फ ऑफिशियल्स ही ऑफिशियल्स घूम रहे हैं, भारत सरकार की गाड़ियाँ घूम रही है मेरे आसपास। पास वीडियो बना लेंगे जरा, ये देखना है। इसके अलावा इंदिरा गांधी मेमोरियल है, जहाँ इंदिरा गांधी जी को गोली लगी थी। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी का है। अच्छा, महात्मा गांधी जी का है। हाँ, जंतर मंतर है, भगत सिंह की बावड़ी है, वो सब तो देखा हुआ है। हम लोग जा रहे हैं वापस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के मेट्रो। एक मिनट रुकना 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 रुक नहीं है, स्टेशन चल रही है। अरे अरे, अच्छा असेंबली चल रही है क्या आज? ये राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था बिकॉज वहाँ पे सेशन चल रहा था, एंड मैं ऑटो करके सीधा उदय भवन आ गया बिकॉज मेरे पैरों की पूरी हालत खराब हो चुकी थी। बट अगर मैं 10 मीटर चल लेता तो राष्ट्रपति भवन पहुँच जाता था। तो वो है राष्ट्रपति भवन, एंड अभी हम जा रहे हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, बिकॉज अब मैं उदय भवन आ ही गया हूँ, तो क्यों नहीं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट चले देखो आप।